प्रभु को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज हम दुख के भेदों पर मनन चिंतन करते हुए पांचवें रहस्य पर मनन चिंतन करते हैं। यीशु क्रूस पर अपना प्राण त्याग देते हैं, और इसके लिए हम आज यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 25 से लेकर के पढ़ेंगे 30 तक। ईसा की माता, उसकी बहन क्लियोफास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वे प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। तब ईसा ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्मग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूं। वहां खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था। लोगों ने उसमें एक पंसोक्ता डुबोया और उसे जूफे की डंडी पर रखकर ईसा के मुख से लगा लिया। ईसा ने खट्टी अंगूरी चखकर कहा, सब कुछ पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। प्यारे भाई और बहनों, यीशु के क्रूस मरने से पहले यीशु ने क्रूस से 7 वचन कहे, सब आप सबको पता है। पहला, जब पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने उस चोर को बोला कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और तीसरा, जो भी हमने पढ़ा कि उन्होंने बोला कि भद्रे, ये आपका पुत्र है, और अपने शिष्य को बोला ये तुम्हारी माता है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, और उसके बाद मैं प्यासा हूँ, और उसके बोलते सब कुछ पूरा हो चुका, और लास्ट में कहते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंप दे। फिर आज सब पर मनन चिंतन है। आज हम सिर्फ एक ही बात पर मनन चिंतन करेंगे, भद्रे, ये आपका पुत्र है, और शिष्य से कहते हैं यह तुम्हारी माता है। प्यारे भाई और बहनों, अक्सर हम सोचते हैं कि यीशु ने अपनी माँ मरियम को माँ क्यों नहीं कहा, भद्रे क्यों कहा, या वुमेन को कहा, अंग्रेजी में वुमन लिखा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बतलाना चाहता हूँ प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर जो वुमन शब्द इस्तेमाल किया गया है वो ईव के लिए किया गया है। शी वॉज द सेकेंड ईव। माता मरियम जो थी वो दूसरी हेवा थी जो नए विश्वासियों की वो माता कहलाई है, क्योंकि पहली जो हेवा थी वो भी जीवितों, सारे जीवितों की माता कहलाई, और जो नई हेवा है, नई हेवा यहाँ पर, इसीलिए यीशु उसको हेवा के रूप में, ईव के रूप में देखते हैं। और माँ मरियम भी यीशु को क्रूस पर मरते हुए अपने बेटे के रूप में नहीं देख रही है, बल्कि ईश्वर के रूप में देख रही है। वहाँ पर उनका बेटा नहीं है, वो बेटा बेटा है, बेटे के साथ साथ यीशु जो है वो ईश्वर है, यीशु ईश्वर है। और यीशु क्रूस पर चढ़कर अपनी जब जान दे रहा है तो वो कलीसिया के लिए जान दे रहा है। इसके बारे में हम इफिसियों 5 में पढ़ते हैं, जब संत पौलुस लिखते हैं पति पत्नी का रिश्ता बतलाते हुए कि मसीह ने जिस तरह से कलीसिया के लिए जान दिया, उसे पवित्र करने के लिए, उसके निष्कलंक बनाने के लिए, वैसे ही पति भी अपनी पत्नी को ऐसा प्यार करे, उसको उदाहरण देने के लिए। तो यीशु ने कलीसिया के लिए प्राण अर्पित करने तक प्यार किया, और यहां पर वही दर्शाया गया है। यीशु जब प्राण अर्पित कर रहे, सामने कलीसिया नहीं है। कलीसिया का जन्म तो हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र में, वो अध्याय 2 में, जब पवित्र आत्मा उतरा और 120 लोग जो है पवित्र आत्मा से प्राप्त हुए, और वो सब लोग पवित्र आत्मा से प्रदत्त भाषाएं बोलने लगे, और वहां पर कहते हैं कलीसिया का जन्म हुआ। यहां पर कलीसिया नहीं है, लेकिन कौन कौन खड़ा है यहां पर? यहां पर माता मरियम है, यहां पर क्लियोफास की पत्नी मरियम है, और मरियम मगदलेना है, और साथ ही यूहन है। सारे मुख्य मुख्य लोग वहां पर खड़े हैं, वो कलीसिया का छोटा रूप है। और इसीलिए जो यूहन को बोलते हैं कि ये तेरी माता है, ये नहीं बोला कि मेरी माँ है इसलिए तेरी माँ है, ऐसे नहीं है, वो तेरी माता है।
और उसको बोलते हैं महिला ये तेरा बेटा है। और आगे हम पढ़ते हैं उसके बाद में उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। अंग्रेजी में लिखा He took Mary into his home, अपने घर ले गया उसको, वो घर ले गया। क्या माँ मरियम का घर नहीं था? जब लोग कहते हैं इनके तो और भी संतानें थी, भाई बहन थे यीशु के, तो क्या माँ मरियम अपने घर नहीं जा सकती थी अपने भाई बहनों के? लेकिन वास्तव में उसका सिर्फ एक ही बेटा था, और बाकी जितने भी भाई बहनों की हम पढ़ते हैं बाइबल में, वो सब विवेचना वो उनके कजिन्स थे और उनके साथ जुड़े हुए जो दूसरे जो इनके रिश्तेदार थे उन्हीं को वो भाई बहन बोलते थे। लेकिन माँ मरियम शी वॉज वर्जिन फॉर एवर, उन्होंने कुंवारी अवस्था में यीशु को उत्पन्न किया और वो आजीवन कुंवारी रही। ये कलीसिया का विश्वास है क्योंकि वो पवित्र आत्मा की दुल्हन कहलाती है। और साथ ही यहाँ पर जो एक विशेष माँ मरियम को जो रोल मिला है वो कलीसिया के माँ होने का रोल दिया है, और कलीसिया की माँ होने के नाते वो यौहन को अपने यहाँ पर उसको अपना बेटे के रूप में स्वीकार कर रही है, और वो बेटा उसको अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर रही है। क्योंकि आज कलीसिया जो जन्म लेने वाली है उसका यहाँ पर कंसेप्शन हो रहा है, मानो उसका गर्भधारण हो रहा है। यीशु पूरी तरीके से अपना जान दिया और वो कहता है इट इज फिनिश्ड, इट इज फिनिश्ड। एक DRB बाइबल जो है, पुरानी जो कैथोलिक बाइबल है डाओ राइम्स बाइबल, उसमें लिखा है इट इज कंस्यूमेटेड, इट इज कंस्यूमेटेड। कंस्यूमेटेड शब्द वो है जिसको डिक्शनरी मीनिंग आप देखेंगे तो उसका अर्थ यह है कि जो विवाह के बाद में जो पति पत्नी होते हैं उनका जब शारीरिक मिलन होता है, वो शारीरिक मिलन का अंतिम पल जब पूरा होता है उसको बोलते हैं कंस्यूमेटेड, इट इज कंस्यूमेटेड। तो ये ऐसा है जैसे यीशु ने अपने सर्वस्व को अर्पित कर दिया, कलीसिया के लिए अर्पित कर दिया, और माँ मरियम ने माँ के रूप में उस अर्पण को स्वीकार किया। आप एक क्रूस में चित्र देखेंगे, माँ मरियम ऐसे हाथ फैलाए यीशु के लिए खड़ी है और यीशु बाएं फैलाए जान दे रहे हैं। ये इसका प्रतीक है कि कलीसिया के लिए यीशु जान देके सब कुछ पूरा कर दिया। ही गेव हिमसेल्फ टोटली, पूरी तरीके से अपने आप को दे दिया। नाउ अब कलीसिया का वहां पर कंसेप्शन हुआ, कलीसिया को माँ ने, माँ मरियम ने अपने उस आत्मिक गर्भ में धारण कर लिया जिसका जन्म पेंटेकोस्ट के दिन। प्यारे भाई और बहन, एक बहुत महान रहस्य है जिसको कलीसिया हमें बतलाती है और पवित्र आत्मा ने मुझको बतलाया है, जो मैंने आपको आज शेयर किया है। प्यारे भाई और बहनों, ये एक बहुत बड़ा एक रहस्य है। कलीसिया जो माँ मरियम है वो सिर्फ यीशु की माँ नहीं है, वो कलीसिया की माता है, वो हमारी भी माता है, क्योंकि हम सब यीशु के भाई बहन हैं, यीशु के भाई बहन हैं। एंड ही इज द फर्स्ट बॉर्न ऑफ गॉड, सबसे पहला उठा वो है। उसके बाद यीशु ने हम सबको कलीसिया के द्वारा उत्पन्न किया, यानी माँ मरियम के द्वारा उत्पन्न किया है, क्योंकि माँ मरियम कलीसिया के जन्म के समय भी थी जब पेंतिकोस के दिन पवित्र आत्मा उतरा था, उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन माँ की जरूरत है जन्म लेने के लिए, माँ की जरूरत है बच्चों को पैदा करने के लिए और बच्चों को पाल के पोस के और सबको एक साथ रखने के लिए, प्लेस करने के लिए, प्लेस करने के लिए। एक माँ का गुण होता है प्यारे भाई और बहनों कि वो अपने शरीर में बच्चे के सारे अंगों को इकट्ठा होने देती है, अपने गर्भ में सारे अंगों को इकट्ठा करके एक इंसान को जन्म देती है। यही क्रिया माँ मरियम ने आत्मिक रूप से किया, सारे लोगों को इकट्ठा किया। सबसे पहले 120 लोगों को इकट्ठा किया, सबको एक मन एक दिल से उनको सिखाया। 9 दिन तक वो लोग प्रार्थना करते रहे और एक मन बनाते रहे, और उसके बाद में पवित्र आत्मा होता है, उसको हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक विशेष रूप से जो मैंने आपको बताया, माँ मरियम कलीसिया की माता है और आपकी और मेरी भी माता है। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम इस भेद पर मनन करते हुए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। क्रूस के नीचे निकट रहकर माँ मरियम ने यीशु को प्राण अर्पित कर दिए, यीशु की उस प्यास को अनुभव किया जो उसने कहा मैं प्यासा हूं। हाँ प्यारे भाई और बहनों,
यीशु को हम सब की प्यास लगी है, हम सब के पापों को वो प्यास बुझा सकते, इसलिए उनको सिरका दिया गया प्रतीक के रूप। आइए हम भी अपने पापों को प्रभु को चढ़ाते हुए प्रभु के साथ आज मर जाएं, ताकि हम पुनरुत्थान के दिन उनके साथ जी सकें। आइए हम माता मरियम को जो स्थान प्रभु ने दिया है, जो प्रभु ने उनको माँ के रूप में हमको दिया है, उसको हम ईश्वर की ओर से स्वीकार करें और अपने आप को उसके हवाले करें और उसको अपने घर में निवास दें। आमीन।